मंदसौर में पुलिस और साथी दबंगों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है चेकिंग के दौरान पुलिस ने दबंगों को रुकने का इशारा किया था, जहाँ पर पुलिस को देखकर दबंगों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने भी दबंगों पर जवाबी फायरिंग की और जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे और साथ ही पुलिस ने मौके से 2 मोटरसाइकिल, 1 12 बोर जो है तमंचा, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। कल सुबह की बात है, भैंसा मंडी है उस क्षेत्र के गांव में गश्त कर रहे थे, ग्रामीण लोग कर रहे थे, पुलिस भी थी और इसी बीच कुछ लोग ट्रैक्टर्स और मोटरसाइकिल से आते दिखे, तो जब ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश किया तो उसमें से एक ने फायर किया 12 बोर के कट्टे से, जो ग्रामीण के पैर में लगी है, खतरे से बाहर है। उनमें से एक को लोगों ने पकड़ लिया था और उसके पास राजगढ़ के छापी हेड़ा में रात जीरापुर रोड पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और साथ ही बताया जा रहा है कि यहां पर अज्ञात 5 चोरों ने पेट्रोल पंप के केबिन में पहुंचकर ही कर्मचारियों के साथ मारपीट कर नगदी लूटकर मौके से फरार हो गए। पापरी वारदात, आपको बता दें कि यहां पर पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप के मालिक की सूचना पर SP ने रात में ही यहाँ पर मोर्चा संभाला था और साथ ही आपको बता दें कि माचलपुर पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की और साथ ही बताया जा रहा है कि 2 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे और वहीं बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के रीवा के अंतर्गत नौबस्ता में स्थित JP सीमेंट की कंपनी के खिलाफ स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि जब तक कंपनी के निकलने का यहां पर मजदूरों को काम पर वापस नहीं रखा जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। आपको बता दें कि JP सीमेंट को यहां पर ग्राम डेगरहट के जो है स्थानीय लोगों ने यहां पर जमीन दी थी और जिसके बाद स्थायी तौर पर कंपनी ने ग्रामीणों को नौकरी दी थी, जिसमें लगभग 20 लोगों को JP सीमेंट रीवा ने कोरोना का बहाना बनाकर नौकरी से निकाल दिया है। और वहीं मजदूरों को यहां पर बार बार आश्वासन दिया जा रहा था कि एक एक कर सबको काम पर वापस बुलाया जाएगा, लेकिन 22 मार्च 2020 से अब तक उन्हें काम पर नहीं रखा गया, जिसके बाद परेशान होकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक निकाले गए लोगों को नौकरी पर नहीं रखा जाएगा तब तक संचालित खदानों पर भी किसान धरना देंगे और साथ ही कहा है कि इस दौरान